हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही। यहां रामपुर रोड स्थित रामबाग कॉलोनी निवासी कारोबारी 30 वर्षीय अंकित चौहान का शनिवार की सुबह तीनपानी रेलवे फाटक के पास कार में शव बरामद हुआ था। कारोबारी अपनी ही कार की पिछली सीट पर थे, कार स्टार्ट थी और शीशे और दरवाजे सब बंद थे, इसीलिए पुलिस पहले इस मामले को एसी की गैस से मौत की वजह मान रही थी, मगर कारोबारी के स्वजन व दोस्तों ने हत्या का आरोप लगाकर जांच की मांग की थी। अंकित के भाई का कहना था, जब अंकित घर से निकला तो बताकर गया था कि वह माही और दीप कांडपाल से कुछ बात करने जा रहा है। इसके बाद अंकित नहीं लौटा। उन्हें शक है कि माही व उसके साथी दीप कांडपाल ने साजिश के तहत उसके भाई की हत्या करा दी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिससे सभी हैरान है। कारोबारी के दोनों पैरों में सांप के काटने के निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ चुकी है। अब यहाँ पर शक ये है कि अमूमन जब सांप किसी को काटता है तो शरीर के किसी एक हिस्से को काटता है, लेकिन अंकित के दोनों पैरों में सांप ने काटा था। ऐसे में पुलिस के शक की सुई घूम गई है। संभवतः यह उत्तराखंड का पहला मामला हो जिसमें एक कारोबारी की सांप से कटवा कर हत्या कर दी गई है। इसकी तस्दीक पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड को प्लानिंग मर्डर भी माना है और हत्या में एक या फिर एक से अधिक व्यक्तियों का हाथ भी हो सकता है। करीबियों पर शक और अधिक गहरा गया है। अब कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, जैसे कि अंकित को किसी सपेरे की मदद से कार के बाहर या फिर कार के अंदर तो नहीं कटवाया गया? क्या हत्यारों ने सांप से कटवा कर खुद को बचाने की कोशिश की थी? किस सांप से कटवाया और सांप कहाँ से लाया गया था? तो तमाम तरह के सवाल अभी उठ रहे हैं जिनका पर्दाफाश पुलिस जल्द कर लेगी। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि कारोबारी के दोनों पैरों में सांप ने काटा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो चुकी है। अंकित की हत्या प्लानिंग हो सकती है। मामले का पर्दाफाश जल्द कर लेंगे।